तो भैया निकल रहे हैं ऑफिस, अब मिलेंगे आकर के शाम को आपसे। गुड मॉर्निंग। चल भैया सब लोग क्षमा करना, आज मतलब ऐसा हुआ कि जो शाम को वो किए थे, एडिट किए थे ब्लॉग ना, उसमें बहुत टाइम लग गया। नहीं टाइम तो लगा ही लगा, वो सेव ही नहीं हुआ। मॉर्निंग में देख रहे सेव नहीं हुआ ब्लॉग, फिर से हमका एडिट करे पड़ा पूरा, और वह वजह से हम आज वाला ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए। तो कुल मिला कि बहुत जल्दी ये बात, और आज असल में कोर्ट केस लगा है, मतलब विभाग की तरफ से, तो उसमें यार हमको थोड़ा सा अपना पक्ष रखना है, तो इसलिए हमको जाना पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है ना कि विभाग भी अपने केसेस लड़ता है, जैसे विभाग के ऊपर कोई आरोप आ गया, या विभाग मान लो कुछ काम ऐसा है जिससे मना कर रहा है कंज्यूमर का, जो हमारे विधान में मतलब अधिनियम में नहीं है, तो वो कभी कभी कंज्यूमर कोर्ट केस कर देते हैं, तो उस पर जो है विभाग को लड़ना होता है। तो वो यार आज चूंकि हमको देखना है एक केस है, और अभी जाके उसकी थोड़ी प्रिपरेशन भी करनी है, यही भैया आज बहुत जल्दबाजी में रहना है, तो मिलेंगे आपको शाम को आकर के। बहुत जल्दबाजी रहा था भैया, यही है, पहले नौकरी के लिए हाय हाय करो, नौकरी मिल जाए तो फिर बाद हाय हाय करो, कुल मिला करके जिंदगी ऐसे ही चलती, इसलिए जहाँ हो उसी को एंजॉय करो बस। इसको मार्केट क्या करने जाना है? जाना है, मुझे कुछ काम है। क्या काम है? आई है कुछ। पारुल के साथ जाना है? पारुल आई है स्कूल से, वो बोली 1-2 बजे तक आएंगे। फिर हम यहाँ से जाएंगे। चलो ठीक है, तो जल्दी जाना, समय से आना, बता देना। कहीं बड़ा वाला खर्च होगा तो QR कोड भेज देंगे। हाँ तो QR भेज देना। कैसी तरह लेट हो गया, 8 बजे मिंगल भैया सर्विस। हाँ सानू दीदी। हाँ ये लो भैया, ऐसा ना है देखा ऑफिस के चक्कर बा, बाकी और सब चीज़ बा, हम फूल कुमारी समय ना दे पाते, फूल कुमारी इंद्रजन पारुल का समय ना दे पाई था भैया। उनके सबसे बड़ा इशू ये बा कि समय हम ना देते, आज शाम उसे शिकायत कर रही हूँ वो चक्कर दाई के। शिकायत नहीं कर रही थी, हम ही मतलब बात की हमको क्या हुआ था कल, तो वही सब बताया नहीं कि समय को लेके हमारे बीच में रहता है कि समय, आजकल ऑफिस रहती है फिर ब्लॉक का चक्कर रहता है, समय तुम्हारे पास भी नहीं रहता। और लड़कियों का मेन यही है कि उनको क्या ऐसा समय चाहिए भाई, क्या मिल जाएगा, वो 10 मिनट मांगती है तुम 20 मिनट दो, सही बता रहे हैं, थोड़ा झुक के चलो। हम तो झुक के ही चलते हैं पागल, हम कहाँ कौन सा, कोई 10 मिनट मांगती लड़कियां लड़कों को लगता है अब तो और नहीं करेंगे बात, अब तो और नहीं बात करेंगे। ऐसा नहीं है, हम बिजी रहे, हम में काम रहा, मेहनत रहा। ये खाए हेलो भी तुम्हारा बिजी रहे पिंकल भैया। हाँ हेलो ना करी थम, थोड़ा कोनो दिन हो ही जाते कि ना भाई तो ना बात कर पाए, ये समस्या रही ना, क्या करें यार बताओ, मतलब सब कुछ देखना है। मतलब भाई देखो बहुत सारी चीज डिस्कस करना है ना, कि जानते हो कि जैसे हम तो मेच्योर है, खूब मेच्योर है, वो इतनी मेच्योर ना ही, मेच्योर है लेकिन अभी उनके अंदर वो है ना कि एज भी कम है, लड़कपन है थोड़ा सा, तो जैसे भाई उनको भी समझाएंगे अभी से। जैसे उनको क्या है कि बच्चों का नाम क्या होगा, कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, ये वो है, तो उनका ही सब डिस्कस कर रहा है, हम में बाकी कुछ नहीं, नींद आ रही है, सोते हैं। सानू शॉपिंग नहीं गई, सानू की काम बा, यही बैठे बैठे हर चीज ऑनलाइन मंगावत है, और ठीक भी बा, ऑनलाइन के व्यवस्था बा, तो कोनो बहुत ज्यादा टेंशन ना बा, हर चीज धीरे धीरे हो जाता है, एंगेजमेंट की तैयारी मतलब जो हो रही है उसकी बात बता रहा हूं। अभी आज पता नहीं क्या क्या मंगाई है उल्टा पुल्टा, बैंगल बॉक्स है, एंगल बैंगल बॉक्स कोनो चीज होते वो मंगाए हैं, और एक मेकअप बॉक्स है, तो धीरे धीरे दिखाओ, तो नहीं अब इका हुए दिखाओ इसको, तुम क्यों ऐसे सादे वादे कलर में क्यों नहीं ली बच्ची? अरे ठीक है सब कुछ सादा सादा हो जाएगा, मम्मी यही कहेंगी कि थोड़ा अच्छा सा ली। हाँ खैर शादी ब्याह एक चीज है ना। नहीं वैसे भी देखो, हाँ बढ़िया लग रहा, बहुत अच्छा, नहीं बढ़िया लग रहा ये सब चीजें सानू धीरे धीरे लेके अपन मंगाओ थी भैया, वास्तव में जरूरी बा, क्योंकि मेकअप बॉक्स ये मेकअप बॉक्स इसमें जब सामान रखा जाएगा तो ये पूरा बढ़िया से उठ जाएगा, अभी ये पिचका हुआ है। अच्छा हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा वैसे सही रखो, अपना मैनेज करके चलो, मैनेज करके
तो भैया कुल मिलाकर के इस तरह से तैयारी धीरे धीरे चला था, बहुत जल्द एंगेजमेंट के पूरी वीडियो आए आप सबके पास अचानक से। हाँ, खोल पाओ थी बताओ, इनका इतना ज्यादा हुआ है, भैया लो हम खोल दिलाओ। एक सेकंड में खोली थी, हो गया। ओह माय गॉड, ओ हो, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। फोन रख के तब खोलो बिंगल, ऐसे नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे ऐसे। 00 पे करो ये, तब खोले दबाओ भाई, टूट ना जाए। नहीं यार, ओहो रुक जाओ, मुझे सोचना पड़ेगा। क्या बिंगल यार, आओ ये देखो भैया, खोल दिए ना, एक सेकंड में, चुटकी में काम करी थे हम, चुटकी में बस, थोड़ा यूट्यूब पे देखे पड़ा है। मैन्युफैक्चर ही ऐसे किए हैं डिजाइन वाला, कोनो बात ना भाई, में ऐसे का निकाल ली है, हिम चूड़ी लगा दी है, तो कोई से दे दी है, या एमए गुरुवा के चूड़ी रखा तो अपन दूसरी चीज रखी है, ये सब इस सगुन की चीजें वो दी जाती है, बस ये दिमाग में रखो। बहुत वही मतलब, अच्छी यार पैसा लगा है तू ऐसे कर, अच्छी चीज नहीं है क्या? अच्छा पैसा लगा है, हाँ पैसा लगा है, सही बात है। चूड़ी होती है बढ़िया बनवा लो, इसी में लगा दो चूड़ी, इसके बाद अच्छा अपने कमरे में अपने अलमीरा में डाल दो, बड़ा रहेगा कवर्ड में। ककुलवा बहन वो कहीं कब हुए? अब हुए जाने, हम तो ना देखिए आज तक चूड़ी पहने तो नहीं, अभी शादी हुई है, अब शादी के बाद सब लोग पहनते हैं, बढ़िया तैयार होते हैं। अच्छा वो जो जीन्स टॉप पे पहन के लड़कियां चलती हैं, जूड़ा हाथ में ना अच्छा लगता है, जूड़ा नहीं, अच्छा चूड़ा, ओहो हाँ, बहुत लोग दिखती है ना, वो जीन्स पहनेंगी और उसके बाद वो सब पहनेंगी और हाथे में ये तक पहन लिए का। आजकल भैया बताओ थी बिया एक सीजन आउट हुआ, मतलब ऑफिस मेरी चौक में है, तो वो अकबरी गेट देख लो, इमाम बाड़ा देख लो, सब जगह भैया बहनी जुटा रही है प्री वेडिंग सूट के लिए। इतनी हंसी आवत, उनके सबका बहुत दूर से सिर्फ ऑब्जर्व करा ना, उनके सबका ऑब्जर्व करा तो तुम्हें हंसी आए कि ये सब करत काम है, देखो तब पता चलता अपना काम कर रहे हैं वो लोग, काम कर रहे हैं तो कैमरा मैन और उनके सबका पागल बनाए, हमसे तो ना हो पाए भैया कत्ते ही ना। अरे यार कौन कौन जा रहा है आ रहा है तुम साला, उसमें तुम प्री वेडिंग शूट करा रहे हो यार। नहीं जो करा है अच्छा है, वैसे हमको भी नहीं पसंद है, पसंदीदा संदेह का कौन चीज के मायने हो तब तो समझ ना आवे, कुछ नहीं है, सब दिखावा, ये सब दिखावा है और कुछ नहीं। जैसे तुम्हारी सहेली है वो कराई है तो तुम्हारे मन में भी आएगा हम वो कराए, हमारी सहेलियाँ कराई, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, हम बहुत चीजें नहीं की है जो दुनिया कर रही है उसमें क्या करें। तो हाँ वही चीज बता रहा हूँ, नहीं करवा, लेकिन हमको अच्छा जो लगेगा हम कर भी लेंगे, ये भी नहीं सोचेंगे कि फिर वो नहीं कर रही है तो हम कैसे कर ले, तो हम फिर हमें अच्छा लगेगा। पता नहीं वो लड़कियों के ऊपर मत तरस आओ, सारे लड़के कैसे होते हैं, हर चीज में बाबू शिवना करते हैं, वही सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं, उनके पल्लू पकड़ के खड़ा है, एक कंटाप मारा खींच के उनके दिमाग से। लेकिन सही में इमाम बाड़े पे जाओ तो ये दिखता है पल्लू वाले, ये सब जो पल्लू पकड़ के ना है, उनको ओढ़नी पकड़ के ना है, अपन से जाए पूछ ला कि कब अपने माई बाप का इसे कब इतना सम्मान दे रहे हैं। सबका प्लेस अलग अलग होता है, इसे कंपेयर मत करो, शादी का उसके टाइम है, वो करवा रहा है अपनी, उसकी लड़की को पसंद होगा तो देख ला, कसम से हमारे फूल कुमारी की मतलब ट्राली बैगवा यही बहर में पड़ा हुआ, हे भगवान काओ कही फूल कुमारी ट्राली बैगवा बहर में ही धरे हो बच्ची, हैं यह सम्मान दे तू, बिहान को यह बिहान को बहरे बैठाए दे बुतु। देखो भैया सानू फिर से बनाई है क्या, ये आंवले का आंवले की चटनी, ये बहुत अच्छी विधि से बना सकते हैं आप, पहले आंवला छोटा छोटा आप छोटा छोटा काटना है आपको, बता चुके हो, बताया हूँ आप लोग को पता है। अच्छा टमाटर वाला बताया, टमाटर वाला बताया, आंवले को छोटा छोटा सुनो छोटा छोटा काट लो चाकू से, एक तो छोटे पतले जोन बा उसमें हम डाल दो, ग्लास में डाल दा और वही आंवला कद्दूकस कर लो, बहुत हम कद्दूकस, हाँ कद्दूकस भी कर सकते हो, या फिर वही बेलन से उसके बाद मिर्चा थोड़ा डाल के नमक डाल के सिकुड़ना और दाल चावल के साथ खाओ, एकदम बढ़िया फीलिंग आएगी, कौन टिटिमा करे का आवश्यकता ना, अपने लिए कुछ नहीं लिया। तो क्या लेना है तुमको? हील लेना है, तो ईटा क्यों नहीं बांध लेती हूँ नीचे पैरवा में, पागल सुनो बताया आजकल फैशन है, तुम बांध लो जितना ज्यादा ले रहे हो बढ़िया, एक टू दो टू बड़ा ऊंचा ऊंचा ईटा ठीक बा, ओका पांव बांध ला वैसे भी ऊपर से घाघरा आ जाना इतना बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, मतलब जैसे लहंगा पहनो की पागल, अंदर ईंट बांधे या पाथर बांधे या के जाना, हम तो कहा सुनो हम तो कहा डबल डबल ईंट बांधो, पाथर पहले ईंट पाम बांधना बस, ये चल एक बार जिक्र पर गलती से कहूँ ये गोड़ दे दिया करके तब से वही पागल हो जाए, तुम
गाइस कम आटा रखे थे रोटी बनाए हैं गाइस। हे गाइस कम ऑन कम ऑन गाइस ऐसे मत बोलो। हे गौस माता देख लो सही देखें ठंडा हुआ। अरे इतना खा लेगी भी तू। आओ 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 इधर आओ आओ यहाँ आओ यहाँ नीचे आके खड़ी हो यहाँ ये लो। पति सबसे होता है लेकिन तुमसे थोड़ा ज्यादा होता है तुमको मार के सुधारना पड़ेगा। क्या नाम है उसका? गन्नू गन्नू और नन्हे गन्नू और नन्हे पीना हो चुका बा और जनते यार रोज की तरह भैया शाम हो तो बहुत थकान हो जाते हैं लेकिन फिर भी भैया आप सबका थैंक यू। देखा इतना बढ़िया बढ़िया मैसेज सब लिखा जाता है यार। हाँ, हम तो मेरे पता लिए सब इतना अच्छा अच्छा लिखे हैं उसके लिए धन्यवाद। इसको इग्नोर करो हम तो समझ नहीं पाए थे हमारे अंदर ऐसा कौन क्वालिटी वजन सब इतना लिखा जाता है भैया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू लेकिन इतना जरूर कहा जोने भी वजह से आप सब हमसे जुड़ा है यार वो में हम 1% कबो कोताही ना करब। मोटिवेशन से लेके आप सबके पढ़ाई लिखाई जो भी हमसे गाइडेंस हो सके हम सबका दे। पर्सनल प्रॉब्लम किसी को है वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं और बाकी सब। और रही बात देखा पढ़ाई लिखाई एग्जाम और बाकी चीज़ के बहुत ज़्यादा दिमाग पे ना प्रेशराइज करा आपन धीरे धीरे स्लोली स्लोली पढ़ाई करा। देखा बात ये सोचे ना कि 4 दिन में खूब पढ़ दे 4 दिन में खूब टेंशन ले ले या कौन और काम कर ले ऐसे जीवन में भाई मतलब हो सकता है कि एक बार को तुम सफल भी हो जाओ लेकिन ये चीज़ें आदत में आ जाएंगी। इसलिए आज से ही एकदम स्लोली स्लोली बढ़ना है आपको। छोटे छोटे टारगेट रखो दिन भर में उसको अचीव करो। 1 दिन का टारगेट रखो 2 दिन का धीरे धीरे आगे बढ़ा। और सुना ये ना जो मार्केट में देख रहे हो सरकारी नौकरी ना ऐसनो ना बा एक इतना जो चार्मिंग दिखाई उठावा ना ऐसनो ना बा कि मतलब काज नहीं का हो इतनी अमूल्य चीज हो ऐसनो कुछ ना बा। ये मान के मत चलो जो नौकरी पा गए हैं उनके लिए तो ठीक अच्छी बात है लेकिन जो नहीं पाए जो भी प्रयासरत हैं वह अपने आप को कोनो तरीके से ऐसा ना समझा कि यार हम ऐसा कुछ चीज ना पाई जिसके बिना हमारी जिंदगी ना चले। नहीं बिंगल भैया लेकिन जो जिसको मिल जाती है वो यही बोलता है मानो या ना मानो। ठीक है बोलता है इसलिए बोलता है क्योंकि हम आपको बता रहे हैं। देखो हमारा सीधा सिद्धांत है टेंशन तब भी है टेंशन अब भी है लेकिन यार पैसे के साथ टेंशन रहे समझ रहे। ये बात मैं मानता हूँ लेकिन मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रहा हूँ भैया जिकरे दिमाग पे एकदम हावी होगी बाकी जे नौकरी मतलब प्रयास करत बा नौकरी ना लगत बा वो डिप्रेस्ड होगी ये मैं कहता हूँ। मैं उनके लिए कह रहा हूँ ना यार सरकारी नौकरी जितनी ज्यादा चार्मिंग दिखती है ना भाई अंदर उतना नहीं है लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपके एक पर्टिकुलर इनकम आवे शुरू हो जाते हैं वो अच्छी चीज है जिसका सम्मान है लेकिन बाकी यार ये मत सोचो दुनिया जो उन करत बा ना कि सब वही पीछे पागल बहबा ऐसा स्थिति बिल्कुल न पाला। जो बहने हैं जिनका मैसेज हमारे पास बहुत ज्यादा आता है पढ़ाई लिखाई को लेकर के आप सबको बता दूं कोई लिखता है कि शादी हो गई या पढ़ने को नहीं मिल रहा है या फिर पढ़ाई लिखाई किए काम नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूँ ये हो सकता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई आपके काम ना आई हो लेकिन आने वाली जनरेशन आपका वो बहुत बेहतर होगा क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई कैसे करना है कितना करना है करना कि नहीं करना है इस बीच में अंतर जानते हैं इसका महत्व जानते हैं तो इसलिए वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप लोग लगे रहिए आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं भैया वहाँ कठिनाई आएगी आएगी ये पहले सोच के चला। यहाँ पर लोग कहेंगे सुनना पड़ेगा लेकिन जो एकदम निर्द्वंद बा भैया जे केहुक न सुने आपन काम करे सफल हुए होए छोटी छोटी चीजों से बिल्कुल भी परेशान मत होइए बस आगे बढ़िए। नहीं कहने दो तो वही कह रहे हैं उसको कहने दो उसको कहने दो मत सुनो मत ये नहीं को सानू हैं सानू हैं गांव में मुझे लगता है मेरे पहली लड़कियां जो घर से बाहर भेजी गई हैं और कई सालों से पढ़ाई तैयारी कर रही हैं। इतना लोग इतनी बातें बोले हैं ना बिलीव करो वो सब इसी पीछे रह लेकिन हम सुने हैं सब कुछ हमको ध्यान है लेकिन हम ही जानी थे जो दिन इनके नौकरी लग जाए ना वह दिन सब नॉर्मल हो जाए। और उस दिन बता रहे हैं हमें उनकी बात से कोई फर्क उस नहीं दिन मैं कंपेयर करूंगा किसी एक ऐसी लड़की की जिसको जिसके माँ बाप ने उसको नहीं पढ़ाया लिखाया कुछ भी सोच करके और ऐसी लड़की जिसके माँ बाप ने पढ़ाया चाहे किसी भी हाल में पढ़ाया माँ बाप कम खा पी कर भी पढ़ाएं जौन कुछ कहें कैसे पेट काट के पढ़ाएं जब उसकी नौकरी लगेगी तो उसका चार्म अलग होगा।
ऐसे ही सबके साथ में है। चाह मतलब ना भी हो, इंसान का अपना जीवन अच्छा होगा, सुख में बीतेगा, वही बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए आप लोग भी बिना किसी विचार किए, बिना किसी बात का ध्यान में रखे पढ़ते रहिए, एकदम मस्त रहिए। जिनकी शादी भी होगी अगर पढ़ रही है, किसी बात को ध्यान ही ना दो, पढ़ाई। हाँ, शादी शुदा लोग तो एकदम से मतलब समय निकालो। शादी शुदा लड़कियाँ बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना रही हैं, वो लोग अपना अच्छा कर रही हैं, उनको देखो मोटिवेशन मिलता है, काम के साथ साथ बच्चों के साथ साथ भी सच में अच्छा कर रही हैं। लेकिन भाई उनके ऊपर तो और बर्डन है, ताने से लेके हर सब काम, भी बर्डन हो प्रभाव ना पड़े। पढ़ो लिखो, कोई मदद हमसे चाहिए तो हमका बताओ। सबको गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू टू। Bye.